Hey guys, good morning. Welcome back to the channel. और अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी को छोड़ने मामा के घर कालकाजी तक. तो अभी रुके हैं हम यहीं ओखला मंडी फ्रूट्स लेने के लिए. मम्मी वहाँ फ्रूट्स ले रही है. देखो इन्होंने रेट सही नहीं लगाया. वहाँ पे रेट सही लग गया होगा तो वहाँ से फ्रूट्स ले रही है मम्मी. फिर हम सीधा निकलेंगे कालकाजी के लिए. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. 11 बजे का बोला था वैसे तो उन्होंने मामा ने. तो 1 बज गए उनको यहीं. 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे मामा के घर. वहाँ पे बस मम्मी को ड्रॉप करके आना है. उसके बाद निकलेंगे सीधा चिड़ियाघर के लिए. आज आपको चिड़ियाघर दिखाएंगे कि वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं, क्या है क्या नहीं है वहाँ का दिखाएंगे आपको आज सारा. तो बिना कुछ देरी करते हुए पहले चलते हैं मम्मी को ड्रॉप करते हैं, फिर सीधा वहीं निकलेंगे हम. और हाँ, गाड़ी भी वॉश करानी है यार. गाड़ी बहुत गंदी हो रही है. आपको दिख रहा होगा ये देखो विंडो पे कितने गंदे हो रहे हैं. पीछे देख लो, पीछे भी गंदे हैं, ये भी गंदा है, पूरा अंदर से भी गंदी पड़ी है गाड़ी. काफी दिन से गाड़ी सफाई वाला आ नहीं रहा. तो मतलब महीने के आसपास हो गया उसको आ ही नहीं रहा. वो छुट्टी पे पता नहीं कहाँ गया है कहाँ नहीं. तो इसलिए अब गाड़ी वॉश करानी पड़ेगी पूरी अंदर बाहर से, फिर चलते हैं. हम देख रहे हो भाई ग्रीन लाइट हुई पड़ी है, फिर भी ये जाम इतना हुआ पड़ा है. अब फिर रेड लाइट हो जाएगी. देखो जैब्रा क्रॉसिंग तक भी नहीं पहुंचा और रेड लाइट हो गई पहली. देख रहे हो, अरे ये सब रेड लाइट में भगे हैं आगे, क्योंकि आगे कोई ट्रैफिक वाला नहीं है ना, इसलिए भग गए. वरना चलान होता इनका. और कैमरा भी नहीं है इस साइड कहीं. भाई गलत फंस गया मैं इस साइड यार. आज मम्मी को तो ड्रॉप कर दिया है. अब जाते टाइम इधर इतना जाम मिल रहा है. इससे बढ़िया तो मैं दूसरे रास्ते से आ जाता ना, जब बढ़िया था. अभी हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट. और चिड़ियाघर पहुंचते पहुंचते हमको टाइम हो गया था, 5 बज गए थे. तो इसलिए हम चिड़ियाघर नहीं गए. वहाँ पे 4:30 बजे तक की टाइमिंग है चिड़ियाघर की. तो इसलिए अब इंडिया गेट आ गए. इंडिया गेट दिखाते हैं आपको. अभी तो दिन हो रहा है तो अभी लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं है. शाम को होगी लाइटिंग. तो शाम तक रुकते हैं, आपको दिखाते हैं लाइटिंग के साथ कैसा लगता है. ये इंडिया गेट, न्यू ईयर 2023. अभी तो कुछ भीड़ नहीं है ज़्यादा, इतनी भीड़ है अभी. रात को और ज़्यादा भीड़ दिखेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि रात को ही मज़ा है यहाँ पे आने का. दिन में लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं है, रात को तो लाइटिंग वगैरह सब होती है. अगर ये पढ़ना चाहो कि इंडिया गेट के ऊपर क्या लिखा होता है, एक बार पढ़ सकते हो आप पोज करके वीडियो को. और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल. वीडियो को पूरा देखें. उस साइड इतनी भीड़ नहीं है भाइयों, इस साइड बहुत भीड़ है. इस साइड पूरा भरा हुआ है, पूरा पैक है इस साइड तो भीड़ से. यहाँ से भी कुछ ऐसा है, हैप्पी न्यू ईयर का लगाया हुआ है. और ये इंडिया गेट सामने यहाँ आपको काफी लोग ऐसे दिखेंगे जो बस फोटोज ही फोटोज ले रहे हैं. जैसे कि ये देखो, इतनी सारे फोटोज ले रहे हैं कि किसी को कोई नहीं है मतलब जवाब. आधे ज़्यादा तो फोटो खींचने आते हैं यहाँ पे इंडिया गेट के साथ. और हम तो यार पहले इतने आते थे यहाँ पे जब छोटे थे, रोज़ आते थे पापा मम्मी के साथ. रोज़ आते थे हम तीनों भाई बहन और मामा के, मामा भी आते थे, मामा मामी और उनके बच्चे.
अब हमारा मन ही नहीं करता इस साइड इतना आने का, क्योंकि रोज आके यहाँ पे हम थक लिए, पर अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है अलग अलग सा, जैसे पहली बार आया हूँ यहाँ पे मैं। भाई अभी दिन में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी यार ऐसी भीड़ है बस। शाम के टाइम होगा जो भी होगा लाइटिंग वगैरह, अभी तो कुछ नहीं है। तो अभी तो मेरे कोई भी मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, आपको क्या मज़ा आएगा देखने में। भाई छोड़ो, पर हम शाम तक रुकने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि रात को ही जो मज़ा आएगा रात को ही आएगा। तो आपको देखते रहना आगे तक, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल। और यहाँ पे एक शो भी हो रहा है, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं, अभी स्टार्ट हो रहा है तो आपको वो भी दिखाऊंगा। चलो पहले उधर ही चलते हैं, इधर तो आ जाएंगे शाम को भी, लाइट जल जाएगी जब, पहले उधर शो देखने चलते हैं आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ झरना इस टाइप का, यहाँ पे रात को देखना, इसमें लाइटिंग जलेगी, बहुत प्यारे लगेगा लाइट जलने के बाद। तो ये है एक, इसमें भी लाइटिंग जलेगी रात को, और पानी स्टार्ट हो जाएगा इसमें से भी, अलग ही मज़ा आएगा देखने में रात के टाइम ये। और उधर वो शो हो रहा है, वो दिखाने चलते हैं आपको। चलो जल्दी से चलते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये लड़के यहाँ पे डांस करते हुए। अभी चलते हैं हम भी वहीं बैठ के, फिर आपको दिखाता हूँ ये पूरा। Ever since, we could comprehend things, doubtless, we could not ignore the importance of a woman in our family, our community, devotes a significant amount of time, praying that woman is an image. She is our preserver, she is the resplendent, goddess is our wealth, prosperity and beauty. She provides us with all kinds of material. She is the Shakti of Lord Vishnu, strength in every woman. Every woman is her, and she is Lakshmi. Lakshmi, a victim to victor, our tribute, all women, womanhood, womankind.
यहाँ अंदर नहीं जाने देते किसी को भी, यहाँ से अंदर कोई भी नहीं जा पाएगा, सबके लिए मना है, अंदर कोई नहीं जाएगा, सिर्फ ये हमारे जवान ये खड़े रहते हैं और कोई नहीं जा सकता अंदर, क्योंकि अंदर जाना किसी को अलाउड नहीं है। अंदर गए तो ये दिख रही है इनके पास सीधा ये लगेगी। तो मैं मुश्किल रुक पाऊँगा रात तक के लिए यहाँ पे, क्योंकि घर से फ़ोन आ रहे हैं तो घर जाना पड़ेगा। हो सके आपको अभी जितना दिखाया उतने पे तो करो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल, और हो सका तो 26 जनवरी को मैं ज़रूर आऊँगा, आपको 26 जनवरी प्रेयर भी दिखाऊँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर आऊँगा। 100% मेरी कोशिश रहेगी कि 26 जनवरी को मैं यहाँ आऊँ और आपको पूरी प्रेयर दिखाऊं 26 जनवरी। देखो अभी ये स्टार्ट हो गया फाउंटेन, अब थोड़ी देर में इसमें लाइट हो जलेगी तो और अच्छा लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि यहाँ पे रुक जाऊँ शाम तक के लिए, अंधेरा होते ही यहाँ पे जो लाइटिंग होने के बाद जो नज़ारा है ना वो ज़रूर दिखाऊँगा आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रुक जाऊँ थोड़ी देर और अंधेरे होते ही आपको लाइटिंग में दिखा के ये सब, फिर यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। पॉज करके आप सब पढ़ लेना है, मैंने आप सबके लिए यहाँ पे रोका है, और सेकंड ये इसको भी पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहो तो, और ये दोनों एक साथ पढ़ लेना, दोनों एक साथ कवर कर लिए मैंने। शनि ग्रह, वीनस और मार्स, ठीक है, और ये सारे ग्रह अभी थोड़ी देर में हमारे को दिखेंगे बुध ग्रह को छोड़ के। वीनस की कोशिश है, आज आसमान बहुत साफ है हमारे राइट, मतलब उस तरफ जाकर मेरा हाथ देख सकते हैं, इस तरफ वीनस चमकता हुआ नजर आएगा, और हमारे पास दूरबीन है और हमारी पूरी टीम तैनात है, तो हमारे पास चार टेलीस्कोप में जैसे ही अभी प्लैनेट्स नजर आएंगे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। हमारी पहली उम्मीद है कि हम आपको वीनस और सैटर्न दिखाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे और भी टेलीस्कोप लगे हुए हैं हमारे पास, टोटल 7 टेलीस्कोप इंक्लूडिंग 1 बाइनोक्युलर अवेलेबल है। वहाँ पे प्रदर्शनी चल रही है, वहीं पे हमारे पास और भी टेलीस्कोप लगे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा आप बताएंगे कैसे पता चला? ये देखो भाई, अब इंडिया गेट की लाइटिंग ऑन हो गई है, अभी तो नॉर्मल व्हाइट लाइट जल रही है, बाद में यहाँ ऊपर ग्रीन व्हाइट और ऑरेंज फ्लैग बन जाएगा, देखते रहो आप। वो देखो अब मैं बाहर आ गया, जब वो लाइट चली है वहाँ पे फाउंटेन में, चलो अब चलते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।